अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हाय हो, बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और ईद आप सब गुजार चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी ईद गुजार ली, बहुत अच्छी गुजरी ईद। आज है ईद के बाद का फिफ्थ डे है आज, और यानी कि ईद के 3 दिन और अब ये सेकेंड डे है उसके बाद। तो मैं आज बना रही थी मलाई टिक्का मसाला, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। और साथ में मेकअप वगैरह ईद के 3 दिनों में करके मेकअप ब्रशेज जो हैं वो वॉश होने वाले हो गए हैं, तो वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ। मज़ा रहेगा, ज़रा थोड़े बहुत घर के काम हैं, थोड़ा बहुत किचन का काम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चिकन की मैरिनेशन, और बहुत मज़े का और बहुत क्विक और ईजी रेसिपीज़ होती है मेरी। आपको अंदाज़ा है ही कि मैं कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ की तरफ नहीं जाती हूँ, मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना मुझे मज़ा आता है कि कॉम्प्लिकेटेड तरह तरह के स्टेप्स हों और इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने सोचा थोड़ा सा एंगल डिफरेंट करते हैं कैमरा का, और ये मैंने केजी चिकन जो है ये मैंने मेजर कर लिया था, ये ऑलमोस्ट 1 kg है। मुझे रेसिपीज एग्जैक्ट फॉलो करनी पसंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी तरह की भी गड़बड़ हो। ऑल्दो मैं अब एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कुकिंग में, बट स्टिल मुझे इजी लगता है कि अगर मैंने रेसिपीज़ मैशे की हूँ तो मैं आपको भी एक्यूरेटली बता सकती हूँ। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ कि स्पाइस मिक्स जो है ना वो रेडी कर लेती हूँ। 1 kg चिकन है, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 4 tablespoons ऑफ योगर्ट। इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो मैं सब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और इसके बाद अब मैंने क्रीम ले ली है, कोई सी भी क्रीम ले लें, बस मीठी नहीं होनी चाहिए। फ्रेश क्रीम ले लें, कुकिंग क्रीम ले लें या व्हिपिंग क्रीम ले लें, बस स्वीट ना हो। ये भी मैंने ऐड कर दिए 4 tablespoons। अब मैंने जिंजर और गार्लिक ले लिया है, और इसको मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी मेल्ट होने के लिए। और उतनी देर में मैं योगर्ट और क्रीम को मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जो लम्स हैं वो टूट जाएं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फिश टिक्का मसाला, और आपके पास फिश टिक्का मसाला नहीं है तो आप चिकन टिक्का मसाला डाल सकते हैं, और किसी भी किस्म का जो टिक्का टाइप जो फ्लेवर होता है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसमें फिश टिक्का मसाला डालें। और वो डालने के बाद अब इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च। टिक्के तो आपको पता है स्पाइसी अच्छे लगते हैं, और इस वजह से मैंने काफ़ी स्पाइस डाली, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और अब मैंने इसमें डाल दिया है पेपरिका पाउडर, और अब मैं इसमें डाली हूँ ड्राई जो मेथी होती है वो, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला, और ये है धनिया, जो खुश धनिया होता है ना साबुत, और साबुत जीरा होता है, उसको मैंने एक पैन में रोस्ट कर लिया था बगैर ऑयल के, तो जब उसकी खुशबू आने लग गई थी तो उसका पाउडर बना लिया था, तो ये पाउडर जो है ये मैंने ऐड कर दिया। और ये सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपनी मर्जी से देख लें, क्योंकि फिश टिक्का मसाला जो होता है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। अब ये जो जिंजर गार्लिक है ये भी मैं, सॉरी ये बटर है, बटर में ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा कम था, और मेल्ट कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर ओथेम से लेती हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं बटर के, इस तरह से मैं उन्हें छोटे पीसेस बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो अब इसको भी मैं मेल्ट करूँगी और ऐड कर दूँगी। उतनी देर में ये जिंजर और गार्लिक जो है ये मेल्ट हो गया था, तो अब इसको मैं ऐड कर दूंगी। ये है गार्लिक और ये है जिंजर, और ये मैंने पुदीने की भी क्यूब्स निकाल के रखी हैं ताकि मैं चटनी बना सकूं। ये बाकी का बटर मैंने ऐड कर दिया है, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे आपको फ्रेश लीमू हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं था तो मैंने उसका एक्सट्रैक्ट डाल दिया। माओ बना लिया आपने? ये थे हामी ने कार्ड्स बनाई हैं अपनी ईदी जो उसकी कलेक्ट हुई है उससे थिंग्स ले रहे थे हामी। बंद हो जाते इसका, और ये पीछे से जो है ऐसे ही ऐसे क्लोज हो सकता है, ऐसे ऊपर हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट हो सकता है, और ये ऐसे नीचे हो सकता है। अभी इनको तोड़ना नहीं, इनको ऐसे रख लो, खेलो इनसे, है ना। हाँ, और ये भी पीछे से उतर सकता है, लेकिन ये गैस पाइप से चले जी। अब आप जाएं, अब मैं काम कर लूं। बाय, हैव फन। अब इसकी हम करते हैं मिक्सिंग, डोर बंद कर देना तय, और मिक्सिंग करके चाय उतनी देर में ठंडी हो गई है। कुकिंग इंटरेस्टिंग होती है,
सिर्फ ये है कि जो लोग घबराते हैं कुकिंग से, उसकी रीज़न ये है कि कभी उन्होंने कुकिंग की नहीं है, एक तो रेसिपीज ट्राई की हूँ ख़राब हो जाती हैं, तो इस वजह से जो तो मैरिड है उनको तो आ ही जाती है कुकिंग, और हर कोई अच्छी कुकिंग कर लेती है, जो भी छोटी गर्ल्स हैं टीनेजर्स हैं उनको प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आप लोग भी घबराएं नहीं, अपनी मामा से हेल्प ले लिया करें, कुकिंग इज़ फन, बस ट्राई करके देखें किसी। अब मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस, आप बोन्स वाले चिकन भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और बस इसमें ज़रा मलाई टिक्का है तो बोनलेस का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है मुझे पर्सनली। इसको मैं पाउंड कर रही हूँ, आपको मैं पहले भी अक्सर वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप अगर पाउंड करेंगे तो यकीन माने आपको बहुत ही सॉफ्ट और सक्यूलेंट सा एंड प्रोडक्ट मिलेगा, जब चिकन कुक हो जाएगा तो वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी सा होगा। इसको मैंने अच्छी तरह से पाउंड कर लिया है, प्रेस कर लिया है, और अब इसके अंदर मैंने डाल लिया है जो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया था। इसको मैंने सेपरेटली प्रिपेयर इसलिए किया था ताकि मैं उसको टेस्ट कर लूँ मैरिनेशन से। मैरिनेशन तो हो गई है और मैंने फ्रिज में रख दिया उसको, और अब मैं बर्तन धो लूँगी, और फिर उसके बाद मेकअप ब्रशेज, जिनके बारे में मुझे बहुत जल्दी है कि मैं उनको वॉश करूँ ताकि वो मेरे नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो जाए, तो ब्रशेज़ को मैं वॉश करूँगी, लेकिन उसके लिए आई वुड प्रेफर कि पहले मैं सारा सिंक खाली कर लूँ ताकि सुकून से मैं उनको वॉश कर सकूँ। तो चलें अब बर्तन वॉश करते हैं और उसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। ये सबसे पहले तो मैंने डेट्स वॉश करके रखी हुई हैं, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट ओवर डेट्स ही थोड़ी सी हमारे पास अजवा रह गई हैं, थोड़ी सी मबरूम रह गई हैं, तो शहजाद जो है वो डेली अपनी डाइट में डेट को ऐड करते हैं, और मैं भी 2-3 डेज डेट खाती हूँ, बच्चों को भी डेली देते हैं, और माशाल्लाह से ऑलमोस्ट पूरा ईयर हम लोग डेट्स जो हैं वो खाते हैं, या एटलीस्ट हमारे घर में होती हैं। डेट्स के बारे में तो हदीस भी है सही मुस्लिम में, कि इंग्लिश में मुझे पता है क्योंकि मैं जब इस्लाम की हुए पढ़ती हूँ तो उसमें इंग्लिश में लिखा होता है, लेकिन उर्दू में हमने जनरली सुना है कि जिस घर में खजूरें होती हैं उस घर में तंदरुस्ती नहीं आती, और सही मुस्लिम में इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि पीपल इन द हाउस विदाउट डेट्स आर इन अ स्टेट ऑफ हंगर। तो अपने घर में खजूरें ज़रूर रखें, और इससे यकीनन तंदरुस्ती नहीं आती है, और प्योरीफाइंग है, बहुत ज़्यादा प्योरीफाइंग है, बहुत सारा इसके इस्लामी के लिए भी बेनिफिट्स हैं, तो अपने घर में खजूरें ज़रूर रखें पूरा साल, और ऑफ एंड ऑन उनको यूज़ भी करते हैं। अब मैं वॉश करती हूँ बर्तन, और जल्दी जल्दी से वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। ये बर्तन तो बस ऐसे लगता है कि कभी सिंक खाली होता ही नहीं है, हर वक्त कोई ना कोई बर्तन इसमें इकट्ठे होते रहते हैं। एनीवेज बर्तन में धो रही हूँ, और ये जो आप मेरे ग्लव्स देख रहे हैं ये मुझे बहुत पसंद है और ये एल्बोस तक जाते हैं, तो फिर इसलिए बिल्कुल भी पानी ग्लव्स के थ्रू अंदर हैंड्स में नहीं जाता है। और ये भी मैंने फायर वियाल शॉप से लिए हैं, आप लोग आइस ट्रेस का पूछ रहे थे, और भी आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑफ एंड ऑन आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से लेती हूँ, तो जो चीज़ आपको डिफरेंट और यूनिक सी लगेगी यकीन माने मैंने वो फायर वियाल शॉप से ली होती है। तो अगर ढूंढा जाए तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बस टाइम लगा के थोड़ा देखना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरा जग जो है ये भी मैंने वहीं से फायर वियाल शॉप से लिया था। अब उस टाइम को यूज़ करते हुए जब तक मैरिनेशन हो रही है मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में और इनको मैं वॉश कर लूँगी। ये भी मेरे डेली मॉर्निंग का ही एक स्केड्यूल होता है कि डेली के डेली बर्तन मैं वॉश करती रहती हूँ। ये हैं मेरे सारे ब्रशेस, बहुत ढेर सारे जो वॉश होने हैं, और चलिए इनको मैं वॉश करने का आपको तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे वॉश करती हूँ, और काफ़ी अच्छा रहता है ये तरीका। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेती हूँ, और ये जॉनसन्स बेबी शैम्पू ले लें, हेड टू टो वॉश ले लें, ये मैं ले लेती हूँ, और बस इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। सबसे जेंटल यही होता है, और सबसे पहले ये मेरे रियल टेक्निक्स के ब्रश हैं, इनको वॉश कर लूँगी। साथ साथ में से हल्का सा इस तरह से, इसमें फाउंडेशन है ये देखें, फाउंडेशन हल्के हल्के से मैं निकाल दूँगी इस तरह।
ये काफ़ी हद तक ये देखें क्लीन हो गया, बस डन। इसको बीच में रहने दूंगी और अब इसकी टर्न है। इससे बस मैंने फेस पाउडर लगाया था, हाँ इतना नहीं है इसका। और मैं जो है वो क्रीम हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, स्टिक हाइलाइटर, तो वो ज़रा आपको पता है कि उसके ज़्यादा वॉशिंग की ज़रूरत होती है। तो ये भी हो गया देखें, और ये मेरा स्पंज है। आई थिंक इनको निकाल लेते हैं, इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, थोड़ी देर ये इसमें पड़ा रहे। ब्यूटी ब्लेंडर तो आपको पता है कि उसके अंदर बहुत सारी फाउंडेशन होती है, इसलिए उसको मुझे ज़रा भिगो के रखना पड़ता है, तो ताकि फाउंडेशन जो है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, तो फिर मैं उसको वॉश करती हूँ। अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं उनको इस तरह से किसी भी टॉवल के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ, और ओवरनाइट पड़े रहते हैं। वैसे तो इतनी गर्मी है, 2-3 घंटों में ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जो हैवी ब्रशेज़ हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। अब मैं ले रही हूँ अपनी मल्टी वाइटमिन्स, ये भी मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। विटामिन्स के बगैर तो मुझे लगता है कि मैं नहीं चल सकती हूँ। आप लोग अक्सर पूछते हैं इतनी एक्टिव कैसे रहती हूँ, तो मुझे लगता है मैं विटामिन्स की वजह से रहती हूँ, अदरवाइज़ तो बहुत थक जाती हूँ। इधर आओ, दिखाई ला के इसमें फोन कैमरा में दिखाएं, लाओ लाओ दिखाओ, इसमें बेबी को दिखाओ, गाड़ी बेबी को दिखाओ। प्यारी बाइक चलाते हैं वो, माशाल्लाह। अब मैंने ग्रिलिंग पैन जो है वो ले लिया है, और उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल काफी सारा, और उसमें अब मैं चिकन के पीसेस डाल के तो ग्रिल कर लूंगी। पहले मैं बिल्कुल ब्रश किया करती थी हल्का हल्का ऑयल, लेकिन उससे मैं देखती थी कि बहुत ज़्यादा धुआं फैल जाता है किचन में और खांसी आने लगती है, क्योंकि मसाला जो है वो ड्राई ड्राई सा बिल्कुल जब बर्न होना शुरू होता है तो फिर उसकी बहुत खांसी वाला आता है इफ़ेक्ट, और लेकिन ऑयल की वजह से ऐसा नहीं होता है। सो ये सारा का सारा चिकन मैं डाल रही हूँ इसमें, और मैंने जो है फ्लेम काफ़ी तेज़ किया हुआ है और हाई फ्लेम पर मैं इसे कुक करूँगी। जब तक वो कुक हो रहा है मैंने इसमें डाल दिया है लैदा से एक लेके वॉक, उसमें मैंने डाल दिया है बटर और ऑयल डाल दिया है ताकि बटर जले नहीं। अब इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल दी है, और बस इतना सा इसको मैं फ्राई करूंगी कि उसकी खुशबू आने लगे, फ्रेग्रेंट हो जाए। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी चिली, एक ग्रीन चिली, और उसको हल्का सा मैंने सौते किया, और साथ में अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ, और साइड चेंज करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हुए होंगे।
रेडी हो गए हैं तो मैं इनको अब बस निकाल लिए। ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ होने लग गया है। ऑयल ना भी रिलीज़ हो रहा हो, जब सॉफ्ट हो जाए तो आप उसमें ये जो जितना मैरिनेट बच गया था चिकन का वो आप डाल दें। मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया क्योंकि कंटेनर में लगा हुआ था जगह जगह, तो वो निकालना ज़रा मुश्किल हो गया था। अब ये मैं प्याज जो है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा लेमन अगर होता तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लेमन एक्सट्रैक्ट डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, 5-10 मिनट के लिए। और बड़े अच्छे से प्याज बनते हैं इसके साथ, और टिक्का वगैरह के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर अब ये देखें जब अच्छी तरह से ऑयल रिलीज हो गया, मसाला भुन गया अच्छे से, तो अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। और जो थोड़ी बहुत अगर कोई कसर रह गई है तो वो इस तरह से मैं इसमें हरी मिर्च भी अब मैंने डाल दी है, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसको ढक्कन दे दूंगी 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई। आपको पता है बोनलेस चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है, अगर बोन्स वाला लेंगे तो फिर उसके लिए आपको टाइम ज़रा एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये हो गया है चिकन बिल्कुल तैयार, उसका पानी जो था थोड़ा बहुत रिलीज हुआ था वो ड्राई हो गया। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ वही वाली क्रीम जो मैंने पहले यूज़ की थी, और इसको मिक्स करके बस मैं लिटरली सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मैं ढक्कन बंद करके और लो फ्लेम पे रखूंगी ताकि सिर्फ ये यकजान हो जाए, इकट्ठा हो जाए, एक जैसा हो जाए, सारा मिक्स हो जाए जो भी कहते हैं। अच्छा अब मैंने ये जो प्याज है इनको मैंने अच्छी तरह से ये देखें निचोड़ लिया है और बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं, और पानी डाल के मैंने इनको वॉश कर लिया और अच्छे से अब मैं इसका पानी निचोड़ लूँगी। और ये प्याज रेडी हो गया, मैंने टेस्ट करके देख लिया सॉल्ट सारा निकल चुका है, तो थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और थोड़ा सा लेमन एक्सट्रैक्ट और डालूंगी, और मिक्स करके ये देखें रेडी हो गए। और अब ये चिकन मलाई टिक्का मसाला जो है ये मैं डाल रही हूँ बोल में। मेक श्योर आप अगर किसी को सर्व करें तो बोल्स वगैरह बिल्कुल क्लीन हो। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्याज रख दिए हैं, नॉर्मली मैं डेकोरेट नहीं करती लेकिन आज वैसे ही दिल किया डेकोरेट करने का तो मैंने सोचा चलो कर दूं, और थोड़ी सी हरी मिर्च उसके ऊपर डाल दी है। ये तो दोबारा करें, जरा हो क्या रहा है यहाँ पे अभी बाय द वे ये इसने मुंह में डाला था तो सारा बाहर कर दिया कैसे था है? बहुत मजे की स्मेल है यार, किलर स्मेल है। चले चले आ जी, लेट्स अटैक। मिशी को बिठा दे, उसको क्यों खाना है? मिशी ने खाने हैं, उसने नहीं खाना, पेपे ने खाने ये हैं। एक दे दिया प्लीज, एक दे दिया तो ये भी अच्छे के नहीं देना। हैं ओके okay. क्या किलर स्मेल है यार गुड़िया, माशाल्लाह। और अब हम खाना खा रहे हैं और फैमिली टाइम स्पेंड हो रहा है और ये मैं अपने लिए सैलेड भी डाल रही हूँ, ये मेरी प्लेट है। और बहुत बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था, आपने मेरी फैमिली का रिस्पांस तो देख लिया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वीडियो बन रही है, आप यकीन माने बहुत ही टेस्टी है, जो खाता है वो तारीफ़ करता है, और आप भी ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर हरियाली चिकन जिन्होंने जिन्होंने बनाया और उन्होंने तारीफ़ किया उनको ये उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा। और बस अब हम लोग अपना खाना खा रहे हैं और मिशी को भी खिला रहे हैं, और बस इसके बाद आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दें, जिनके रिश्तों के मसले अल्लाह ताला हल करें, हर तरह के प्रॉब्लम अल्लाह ताला आपके सॉल्व करें, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।